प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। जो यहाँ पे UP SSC 2016 का जो पेपर है, एटलीस्ट यहाँ पे आपका फाइनल हुआ और पेपर का जो लेवल था, लेवल जैसे कि आपका PCL का पेपर आपने दिया था, जो जैसा कि अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, सेम पैटर्न, सेम पेपर का पैटर्न वही था। और पेपर आजकल ऐसे ही बन रहे हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी है। जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उनके अलावा जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कंपलसरी है दोस्तों। इसलिए UP SSC JEE के जितने भी कैंडिडेट पेपर दिए, आप सबको प्यारे लाडलो, ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी प्यारे स्टूडेंट दिए, और नॉन टेक्निकल की बात मैं करूँ प्यारे दोस्तों, तो नॉन टेक्निकल में भी हिंदी और इंग्लिश का मतलब अच्छा, ईजी टू मॉडरेट वेटेज रहा। जैसे कि आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी से भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको हिंदी और इसके इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मतलब इजी था, रीजनिंग ज़्यादा टफिश नहीं था, रीजनिंग इजी था। और अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों टेक्निकल का, तो टेक्निकल में वही जैसे कि PCL के पेपर में आपका टेक्निकल आया है, और बाकी जो एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं आजकल, जो टेक्निकल का ट्रेंड रह रहा है, ऐसे ही टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो कुल मिला के इजी टू मॉडरेट पेपर रहा, पेपर बहुत अच्छा था। स्टूडेंट काफ़ी, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उन्होंने मैसेज किए। यहाँ पे लखनऊ में आपका सेंटर था UP SSC JEE का 2016 का, तो एट लास्ट अंत में इतने दिनों के बाद UP SSC JEE 2016 का पेपर यहाँ पे समाप्त हुआ, और बिल्कुल ही अच्छे से, बिल्कुल एग्जैक्ट वे में। और क्वेश्चंस का अगर लेवल ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करने की बात करें, तो UP SSC JEE 2016 जो है वो ईजी टू मॉडरेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले सेशन में, अगले जो हमारी स्ट्रीमिंग है उसमें, अगले जो अपनी कड़ी है उसमें मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।